हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेशी और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद रेशी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं छोले भटूरे बनाने की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे छोले भटूरे बनते हैं इस रेसिपी से। और जिन्हें शिकायत होती है कि उनके जो भटूरे हैं वो फूले फूले मुलायम बिल्कुल बाजार जैसे नहीं बनते हैं, तो आप इस रेसिपी से बनाकर देखिए, छोले भटूरे बिल्कुल बाजार जैसे परफेक्ट आपके छोले भटूरे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छोले भटूरे की इस आसान सी रेसिपी को। छोले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं छोले, ये मैंने 1 कप छोले लिए हैं और वेट में लगभग हैं 170 ग्राम। जीरा 3/4 छोटी चम्मच, हींग 1 से 2 पिंच, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। साबुत मसाले का यूज़ करने से जो छोले हैं वो बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, प्याज को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। चना मसाला या फिर छोले मसाला लेना है 3 छोटे चम्मच। धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाय की पत्ती 2 छोटे चम्मच, जिसे जब छोले बॉईल करेंगे तब यूज़ करेंगे। नमक 2 छोटे चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। ये ली है मैंने 5 कली लहसुन की और अदरक का टुकड़ा एक, जिसको क्रश कर लेंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने पीस लिया है। गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, 2 कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और लेना है तेल 2 से 3 बड़े चम्मच। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। भटूरे बनाने के लिए लेनी है मैदा, ये मैंने लगभग 200 ग्राम मैदा ली है। बेकिंग पाउडर 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा कम लेंगे। अगर आप 1/2 किलो मैदा से बना रहे हैं भटूरे तो आप 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। दही लेंगे 2 बड़े चम्मच, सूजी 2 बड़े चम्मच। भटूरे के आटे में सूजी ऐड करने से जो भटूरे हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा टाइम तक फूले फूले रहते हैं। नमक 3/4 छोटी चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। ऑयल 1 से 2 छोटे चम्मच, भटूरे फ्राई करने के लिए सफिशियंट ऑयल। सबसे पहले जो छोले लिए हैं उन्हें 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है। आप चाहें तो इन्हें रात भर के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। ये मैंने रात भर भिगोकर रखे हैं छोले और इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और ये साफ पानी है इसमें अभी। सबसे पहले भटूरे का आटा लगाएंगे। इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें डालेंगे मैदा, सूजी डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये मैंने 3/4 छोटी चम्मच नमक डाला है। ऑयल डालेंगे 1 छोटी चम्मच, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है। बेकिंग पाउडर 1/2 छोटी चम्मच से कम डालेंगे, ये आप देख सकते हैं मैंने 1/2 छोटी चम्मच से कम डाला है। और दही डाल देंगे, दही डालना है 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो बिना दही के भी बना सकते हैं भटूरे, लेकिन दही डालने से इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट डो लगाएंगे। और पानी डो लगाने के लिए हल्का गुनगुना यूज़ करना है। डो लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि जो डो है वो रोटी के आटे से भी सॉफ्ट लगेगा। आप बिल्कुल भी टाइट डो ना लगाएं। अगर टाइट डो लगा देंगे तो भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो डो है उसको मैंने कितना गीला कर लिया है अभी। अब इसे इसी तरह से हाथ से मसल मसल कर बिल्कुल चिकना गूंथ लेंगे और पानी अब इसमें नहीं ऐड करना है। सॉफ्ट डो मैंने लगा लिया है। अब इस डो को एक बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे इस तरह हाथ से। और जिस भी बर्तन में आप रख रहे हैं आटे को उसको अच्छे से कवर करेंगे और इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको लंच में बनाने हैं छोले भटूरे तो आप जो भटूरे का आटा है उसे सुबह ही लगा के रख दें, फिर उसके बाद दोपहर में आप बना सकते हैं इससे भटूरे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं डो को रखे हुए, तो सबसे पहले अभी हम छोले बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब ये जो छोले हैं इन्हें डालेंगे कुकर में। छोले कुकर में डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है अभी,
और ये जो चाय की पत्ती ली थी उसे मैंने कॉटन के एक साफ कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना ली है, उसको भी डाल देंगे इसमें। ऐसा करने से जो छोले का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। मिक्स करने के बाद अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और कुकर को गैस पर रखकर मीडियम फ्लेम पर इसमें लगभग 5 से 6 विसल आने देंगे। कुकर में अभी 6 विसल आ गई हैं तो मैंने गैस को अभी ऑफ कर दिया है, और जब पूरी स्टीम निकल जाएगी कुकर से उसके बाद कुकर को ओपन करेंगे। कुकर में से स्टीम पूरी तरह निकल गई है, कुकर को ओपन करके देख लेंगे एक बार कि छोले गले हैं या नहीं गले हैं अच्छे से, इस तरह से फिंगर से चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं छोले बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अगर आपको लगे कि छोले बिल्कुल भी टाइट हैं तो आप 1 से 2 विसल और लगा लें इसमें, क्योंकि अगर छोले टाइट रह जाते हैं तो छोले का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। बहुत अच्छे से गलने चाहिए छोले, तभी छोले अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर जो चाय की पत्ती की पोटली डाली थी उसको निकाल देंगे। चाय की पत्ती से छोले का कलर तो अच्छा आता ही है, उसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद गैस को करेंगे लो और इसमें डालेंगे जीरा, हींग और ये जो साबुत मसाले हैं इन्हें भी डाल देंगे और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ। ये मैंने क्रश कर लिया है अदरक और लहसुन को। अदरक और लहसुन को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का कलर हल्का गोल्डन हो गया है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चना मसाला, काली मिर्च पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखें जब आप मसाले डालें इसमें तो गैस को लो कर दें बिल्कुल। मसाले अच्छे से पक जाएं इसके लिए लगभग 2 से 3 छोटे चम्मच इसमें पानी डालेंगे और मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा पका लेंगे। मसालों को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। लगभग 3/4 छोटी चम्मच नमक डाला है अभी मैंने, और ध्यान रखें छोले बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसे इसी तरह मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट नहीं होने लग जाता। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मैंने अच्छे से भून लिया है मसाले को, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें जो बॉईल किए हुए छोले हैं उनको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे लगभग 1 कप पानी और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जो छोले की कंसिस्टेंसी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन जो भटूरे के साथ छोले का टेस्ट आता है वो थोड़े से अगर आप थिक छोले बनाएंगे तभी अच्छे लगते हैं, तो मैंने पानी थोड़ा कम डाला है। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं छोले तो थोड़ा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको कवर करके लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में 2 से 3 मिनट के गैप में आप मिक्स भी करते रहें इनको। 10 मिनट हो गए हैं छोले को पकते हुए, तो पहले मिक्स कर लेंगे इन्हें। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है छोले का, आप देख सकते हैं। अब एक स्पून लेकर इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। पूरी तरह से मैश नहीं करना है, कुछ छोले लेंगे इस तरह से और मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो छोले की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जैसे मार्केट में छोले मिलते हैं वैसी हो जाती है। अभी क्या है, छोले अलग दिख रहे हैं, पानी अलग दिख रहा है, लेकिन आप अगर थोड़े से छोले इस तरह मैश कर देंगे तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है इसकी। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया भी डाल देंगे अभी बारीक कटा हुआ।
मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स करने के बाद छोले बिल्कुल तैयार हैं सर्व करने के लिए गर्मा गर्म। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर और कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है छोले की। अब इन्हें ढककर रख देंगे, अब बनाएंगे भटूरे। चार घंटे पहले जो डो लगाकर रखा था अभी आप देख सकते हैं वो काफ़ी फूल गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ पर इस तरह ऑयल लेंगे और इसे लगभग एक मिनट के लिए थोड़ा सा गूंथ लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है डो अभी भी। डो को गूंथने के बाद हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और लोई बना लेंगे। और लोई इस तरह बनानी है, इस तरह तोड़कर एकदम नहीं बनानी है, इस तरह हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे इसको और इस तरह से ऊपर से हटाएंगे डो को। ज़्यादा राउंड शेप में घुमाते हुए हाथ से लोई नहीं बनानी है, इसी तरह से लोई के लिए आटा निकालना है। लोई मैंने बना ली है और इतने डो में से पांच लोई बनाकर तैयार की हैं। अब ये एक लोई मैंने ले ली है बेलने के लिए। पहले चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, लोई पर लगा लेंगे अच्छे से। अब इसे बेलेंगे। आप ध्यान रखें कि आप अगर भटूरा बेलें तो सूखी मैदा का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर सूखी मैदा का आप यूज़ करेंगे तो जो आपके भटूरे हैं वो टाइट बनेंगे और आपका ऑयल भी पूरा ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बिना आटा लगाए ही आप भटूरा बेलें। भटूरे को आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे भी शेप का आप चाहें। भटूरे को बेलने के लिए उसे आप बार बार चकले से ना हटाएं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह बेला है, ज़्यादा बार इसको चकले से नहीं हटाया है, चकले पर ही इसको लगातार बेल दिया है। अभी ये बेल गया है पूरा अच्छे से, तो हाथ से इसे हल्का सा इस तरह बढ़ा लेंगे। इधर मैंने भटूरे के लिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया है। आप ध्यान रखें कि भटूरे सेकने के लिए जो ऑयल है वो अच्छा गरम होना चाहिए। अगर आपका ऑयल अच्छा गरम नहीं होगा तो भटूरे फूलेंगे नहीं। भटूरे को कचली की हेल्प से हल्के से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे कि भटूरा अच्छे से फूल जाएगा। पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और भटूरा सेकते टाइम गैस की फ्लेम को हाई रखना है, जिससे कि ऑयल जो है वो अच्छा गर्म बना रहे और भटूरे फूले फूले सिकें। अब ये भटूरा अच्छे से सिक गया है, इसको निकाल लेंगे ऑयल में से। थोड़ी देर तक इस तरह कचली पर रखेंगे, फिर निकाल लेंगे इसको पेपर टॉवल पर। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला फूला भटूरा बना है। अब इसी तरह से सभी भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ध्यान रखें भटूरे सेकते टाइम कि ऑयल अच्छा गर्म रखें और इस तरह थोड़ा थोड़ा उसको प्रेस करते रहें, जिससे कि भटूरा आपका अच्छा फूलेगा। तो मैंने अभी भटूरे भी बना लिए हैं और छोले भटूरे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इन्हें आप सर्व कीजिए बिल्कुल जैसे बाजार में मिलते हैं उसी तरीके से, सैलेड के साथ और आम के अचार के साथ। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं, इतने टेस्टी बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस छोले भटूरे की रेसिपी को। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।